लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। ओबीसी आरक्षण रद्द हो गया है, इसका बड़ा असर जहां राज्य में घोषित पंचायत चुनाव पर पड़ा है, वहीं नवीनबई मनपा के आगामी चुनाव पर भी इसका व्यापक असर पड़ने वाला है। असल में नवीनबई की 111 सीटों में से 30 सीटों पर ओबीसी कैंडिडेट लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन आरक्षण खत्म होने से ऐसे प्रत्याशियों का सपना चकनाचूर हो गया है। ओबीसी आरक्षित सीटों के ओपन होने से जहां मुकाबला बढ़ गया है, वहीं कई कैंडिडेट चुनाव से बाहर हो गए हैं। हालांकि कई दिग्गज नगर सेवक जो रिजर्वेशन के कारण प्रभाग छोड़कर दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, उन्हें दोबारा अपने ही वार्ड में चुनाव लड़ने का मौका मिल गया है। इस नए समीकरण का नवीनबई मनपा चुनाव पर क्या असर होगा, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये ओबीसी कैटेगरी के लोगों के खिलाफ अन्याय है। तो मेरे ख्याल से आरक्षण हो या ना हो, यहाँ इलेक्शन लेने में कोई हर्ज नहीं है। महाराष्ट्र में ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण रद्द हो गया है। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन प्रत्याशियों को होने वाला है जो आरक्षण के सहारे चुनाव में जीत का सपना देख रहे थे। जाहिर है, इससे महाराष्ट्र में 70,000 से अधिक ठिकानों पर ओबीसी समाज चुनाव से वंचित हो गया है। वहीं नवीनबई में 30 सीटों पर भी आरक्षण खत्म हो गया है, जिससे पिछड़े प्रवर्ग के प्रत्याशियों का सपना चकनाचूर हो गया है। नवीनबई में कुल 111 सीटें हैं, जिनमें से 15 सीट पिछड़े प्रवर्ग की महिलाओं के लिए और 15 सीट पुरुषों के लिए आरक्षित थी। हालांकि आरक्षण रद्द होने से अब 30 सीटों पर खुला प्रवर्ग लागू होगा, जिससे मुकाबला और बढ़ेगा। ऐसी सीटों से अब किसी भी जाति का उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेगा। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक विश्वरत नायर मानते हैं कि इससे चुनाव में ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस अधिकार को संविधान ने दिया है, उससे कईयों लोग वंचित हो जाएंगे, जो उचित नहीं है। ये जो आरक्षण जो रद्द हुआ वो टेक्निकल ग्राउंड पे हुआ है, लेकिन नवी मुंबई महानगर पालिके में इसका असर ज़्यादातर बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये 27% जो आरक्षण है ओबीसी का, तो यहाँ का जो लोकल लीडरशिप है वो ऑलरेडी इतना प्रभावी है कि विदाउट रिजर्वेशन भी वो लोग ओपन कैटेगरी में चुन के आते हैं। और ओवर 55 सीट्स, 111 में 55 के ऊपर सीट्स ओबीसी का ही है न्यू बॉम्बे में। और लोकल इलेक्शन में पर्सनल मेरिट, इंडिविजुअल मेरिट और इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से लोग चुन के आते हैं, तो ये आरक्षण का असर न्यू बॉम्बे में होगा नहीं। हाँ, इतना हो सकता है कि पार्टी के अंदर जो थोड़ा बहुत संघर्ष होता है सीट के लिए, टिकट के लिए, वो आपस में थोड़ा कलह तैयार कर सकता है कि जो नॉन ओबीसी है वो भी अपना टिकट क्लेम कर सकता है, लेकिन ये लोकल इलेक्शन में पर्सनल मेरिट पे ही टिकट दिया जाता है, तो उस पर कुछ ज़्यादा असर होने का चांसेस नहीं दिख रहा है। अब जरा नवीनबई के उन सीटों पर भी गौर कर लीजिए जहां पहले ओबीसी आरक्षण था, लेकिन अब वहां खुले प्रवर्ग के तहत चुनाव होना है। दीघा के प्रभाग 2 रामनगर और शिवसेना नेता विजय चौगले के चिंचपाड़ा प्रभाग 7 की सीट पर भी आरक्षण खत्म हुआ है। इसके साथ ही यहां वार्ड 8, 9 और 12 की सीट भी ओपन हो गई है। ऐरोली के प्रभाग 19 और 20 अंबेडकर नगर, पंचशील नगर की 2 सीट सबसे अधिक चर्चित है, जहां आरक्षण होने से पूर्व महापौर सुधाकर सोनाव ने पावने वार्ड 48 से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। वर्तमान महापौर जयवंत सुतार का प्रभाग 81 सिरौने 1 भी ओपन हो गया है। रिजर्वेशन के कारण जेडी सुतार भी इसे छोड़कर वार्ड 80 में चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। कमोबेश इसी तरह की हालत 16 वार्डों में है, जहां दिग्गज नगर सेवक आरक्षण के कारण खुद का प्रभाग छोड़कर दूसरे वार्डों से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन आरक्षण रद्द होने से उन्हें नया अवसर मिल गया है। वरिष्ठ पत्रकार विश्वरत नायर मानते हैं कि यदि विरोध बढ़ा तो राज्य सरकार
इम्पेरिकल डेटा मंगाकर आरक्षण की फिर से बहाली कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो चुनाव को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक तबके को संवैधानिक आरक्षण से वंचित रखकर चुनाव कराने का कोई औचित्य नहीं है। जैसे पार्टी वाले चिल्ला रहे हैं कई जगह पे कि ये आरक्षण क्यों रद्द किया, ये किया कर। आरक्षण का जो रद्द होने का भी एक जो कारण है, इट इज अ फेलियर कि हम लोग ने उसका एम्पेरिकल डाटा तैयार किया नहीं। ओबीसी का कितने ओबीसी हैं स्टेट में, वो जो डाटा है वो प्रोवाइड नहीं किया स्टेट गवर्नमेंट ने, इसके लिए ये आरक्षण रद्द हुआ। इट इज़ प्योरली ऑन टेक्निकल ग्राउंड, मतलब इसमें कोई डेलिब्रेट या कोई किसी को दोषी ठहराने का मतलब नहीं। हाँ, इतना है कि ये काम जो होना चाहिए तो हुआ नहीं, और ये ओबीसी कैटेगरी के लोगों के खिलाफ अन्याय है ये। तो जल्दी से जल्दी एम्पेरिकल डाटा तैयार करके स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे ये आरक्षण का जो अधिकार है इनको जल्दी से जल्दी वापस देना चाहिए। देखना होगा कि राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार ओबीसी आरक्षण पर क्या फैसला लेती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ओबीसी आरक्षण का आंदोलन भी जोर पकड़ेगा और मराठा आरक्षण आंदोलन की आग में घी डालने का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।